जाना यार निकल यार भाई, मुझे भी आ जाने ना यार, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी भाई, प्लीज जा निकल। अरे मैं कौन है, बैठ जाऊँ ना, तुम दोनों कर लेना। अबे ऐसा होता है क्या, पागल है क्या, जा यार समझ कर। भाई भाभी को पता चल गया तो ऐसा होता क्या, उल्टी बातें करता हमेशा। पैसे रख, 4-5 घंटे से पहले। अबे 500 रुपए में क्या होता है। अरे यार ये हन्नी भी ना लालनों से भी ऐसी बात मत करा कर। यार हन्नी तू हाय, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में, वही खड़ी रहे क्यों? मेरा मतलब है तुम तो मनाली गई थी ना पेरेंट्स के साथ। हाँ मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अंदर मत आना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बोल रहा था बेबी, वो ना अंदर मैंने प्रेस कंट्रोल कराया तो थोड़ा सा। एक मिनट, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अंदर कोई है ना? अंदर कोई नहीं है। कोई लड़की है ना? नहीं बच्चे नहीं, तू मेरी बात सुन। देखा है कोई, मिल गई शांति। हर वक्त शक शक शक, एक रिलेशनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रस्ट। है ही नहीं यार हमारे बीच में, कैसे चलेगी रिलेशनशिप? पागल है क्या यार, ऐसे किसी को कॉल थोड़ी ना कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? नहीं मैम। फोन पकड़। मैं अपने फोन से कॉल करता हूँ, अभी बताता हूँ। यही नंबर है ना कॉलिंग। अगर उसने फोन उठा के बोला कि वो आई थी कल रात यहाँ पे, तो तेरे मेरे सारे रिश्ते खत्म। ट्रस्ट ही नहीं है। लाउड स्पीकर पे बैठ जा। अच्छा छोड़ो, यही समझाना था। ट्रस्ट रखा कर यार, है ही नहीं यार हमारे बीच में। सॉरी। हन्नी, अरे अंदर आ जल्दी यार। अरे जल्दी आ यार। बेबी ये ना हन्नी की गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। कब बनी? 5 दिन पहले। और वो पुरानी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? छोड़ दिया। क्यों? कुत्ती थी, कमीनी थी, मंद बुद्धि भी थी, मोटी भी थी। सारे दिन चैटिंग में हूं करके बात करती रहती थी। मुझे ये समझ नहीं आता था मैं किसी लड़की से बात करूं या किसी भैंस से। पूरा दिन बेबी ने खाना खा लिया, बेबी ने खाना खा लिया प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक हाँ, मैं घर आके कॉल करता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन मेरी बात। बात तो छोड़ो, तुम मेरे कपड़े क्यों डाल रही हो यार? तुम मेरी बात तो सुनो यार। डेनी सर, लाइफ इंश्योरेंस सर। अबे नहीं यार, निकल यहाँ से। तुम मेरी बात क्यों सुन रही हो यार? सिर्फ नहीं सर, हर मुसीबत का हल इंश्योरेंस है। तो अंदर कैसे आ गए तुम? अम्बे अम्बे, अरे यह मिंटर की गर्लफ्रेंड है यार। तेरी सारी एलआईसी खरीद लूंगा बस हमें हाँ मिला। अब ये कौन सी नई कहानी है? मैं मिंटू।
हर नहीं बताएगा। अरे मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बताऊं यार कि ये मिंटू है, ये हमारा बचपन का दोस्त है, ये गरीब घर का, ये अमीर घर की, ये दोनों एक साथ हाँ शादी करना चाहते थे और इनके घर वाले नहीं करा रहे थे, तो हम कराने के लिए लेके आए थे इनको। और क्या बताऊं यार, और क्या बताऊं। देखा, अब तो करती हूँ मुझको विश्वास, मिंटू की गर्लफ्रेंड है यार, मेरी नहीं है। पहली बात की मिंटू ने आकाश है, और दूसरी बात ये एक LIC एजेंट है, तुम्हारे पीछे भी 4 बार आ चुका है। मुझे रुकना है या जाना है? लूजर कहीं का। यार तुम मेरी बात तो सुनो यार। अरे यार तुम, और तुम मेरे कपड़े क्यों फेंक रही हो यार? अरे तुम पागल है क्या, तू दिमाग खराब है तेरा? अरे यार तुम क्या कर रही हो? ये गच्चा किसका है? मेरा तो नहीं है, तेरा है क्या? ऐसी ब्रांड पहनता हूँ क्या मैं? कितना अच्छा है ये कच्चा, किसका है ये? ये मिंटू के मामा, LIC। पहली बात ये मिंटू ही आकाश है, और दूसरी बात ये एक LIC एजेंट है, तुम्हारे पीछे भी 4 बार आ चुका है। Bye.